हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैम सो कसा काय। सो गाइस, आपका चरिता मनि चक्रवर्ती इस आपके न्यू ब्लॉग में स्वागत करता है। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं, मतलब मैं भी जाने वाला हूँ GS कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स नागपुर एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर आज से उमंग कॉम्पिटिशन 2023 की शुरुआत होने जा रही है। जिसमें गाइस आज से अपने सभी कॉम्पिटिशन की शुरुआत होने वाली है। तो गाइस, आज के अपने कॉम्पिटिशन हैं कुकरी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन और मेहंदी कंपटीशन। सो गाइज, अपने आज ये तीन कंपटीशन आज अपने होने वाले हैं, और कल से अपने भी तीन, मतलब और भी कंपटीशन हैं जो अपने कल से होंगे, जिसका नाम है सिंगिंग कंपटीशन, फिर अपना डांस कंपटीशन, उसके बाद फिर अपने ट्रेडिशनल डे कंपटीशन, जो अपने तीन कंपटीशन और होंगे जो अपने अभी नेक्स्ट डे से अपने सब शुरुआत होंगे। सो गाइज, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको वीडियो को पूरा देखें। आपको मतलब गाइज, इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन कंपटीशन में। सो गाइज, अपने जो आज के जो कंपटीशन है, इसमें अपने कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट ने मतलब पार्टिसिपेट किया है, जो मतलब अपने BCOM के हैं, MCOM के, अपने MJ स्टूडेंट है, जिसने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। इसमें मतलब बहुत अच्छा अच्छा आज मतलब देखने वाले हैं, और आप आज क्या क्या देखने मिलता भी हम क्लास में जाएंगे। अभी मैं जाऊँगा घूमते घूमते क्लास में जाऊँगा, और आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि आपको मतलब कैसा मज़ा आता है कितना। मुझे इस वीडियो में बताइए, कमेंट करिए आपको मतलब कैसी लगी इस मेरी वीडियो को, कैसे सब बताइए मुझे आप आज। और गाइज, आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे ऊपर, जिससे आपको अच्छी अच्छी मैं वीडियो दिखाते रहूं। और आज के वीडियो तो अब जानते हो, GS कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कितना अच्छा फेमस कॉलेज, अपना ऑटोनॉमस कॉलेज है कॉमर्स का है, जो बहुत अच्छा कॉलेज है। आप लोग इसमें ज़रूर आइए और देखिए, अपनी स्टडीज़ भी कीजिए, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सब कुछ बहुत मज़ा आता है, स्पोर्ट होते हैं। अभी अपने पिछले हफ्ते अपने सभी सब कहते स्पोर्ट्स भी हुए थे, जैसे मतलब अपने वॉलीबॉल, क्रिकेट और भी मतलब अनेक प्रकार सब स्पोर्ट हुए थे, जिसे मतलब बहुत से बच्चों को प्राइज भी मिला है। तो गाइस, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाले। तो गाइस, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो गाइस, अभी हम मिलते हैं आगे। सो गाइस, हम यहाँ पे आइए, सर कुछ पूछेंगे। सर यस सर, सो आवर कॉलेज इज रिप्रेजेंटिंग ओरिया स्टॉल ऑल्सो, विच इज स्पेशल ओरिया फूड प्रिपेयर्ड बाय आवर स्टूडेंट। I would like to know about the preparation of this particular food. What material you have used in this particular food? So, first, the first main ingredient is suji and coconut, which is South India's common food. So, this food is from Odisha, which is basically a sweet, which is Bhagwan Jagannath ke chadhana jata hai. This is a specific sweet. So, bahut hi zyada like बनता है, तो वेरी कॉमन। और इसमें लाइक दो प्रोसेस में बनेगा, एक तो उसका फिलिंग जो उसमें आता है कोकोनट का, उसका कवरिंग जो है उससे बना हुआ है सूजी से। तो लाइक सूजी का जो कवरिंग है वो आपको सूजी लेना है, लाइक वाटर, दोनों को फ्लेम में पहले वाटर को हीट करना है, तो उसमें सूजी ऐड करना है, शुगर ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं अगर आप रेगुलर यूज के लिए खा रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रसाद के लिए तो सूजी नहीं यूज होगा। डल लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट और उसको जस्ट कुक करना है, आपको जितना सूजी डो बना देना है, उतना कुक कर देना है, कुक करने के बाद उसको साइड करके उसको 5 to 10 minutes रब करना है, उसकी वजह से वो सूजी सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप रब नहीं करेंगे तो ये लास्ट में इनको फ्राई किया गया है, लास्ट में उसमें इनको क्रैक हो जाएगा अगर आप उसको रब प्रॉपरली नहीं करेंगे। देन उसकी फिलिंग जो है उसमें कोकोनट है, कोकोनट को ग्रेट करना है, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, शुगर एज पर आपको कितना मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग, और फिर इसमें सूजी का जो आपका डो था उसका बॉल बनाओ, देन उसमें फिलिंग ऐड कर देना है, उसको रोल करके फ्राई कर देना है। तो अगर डो इसमें लाइक डो इस लाइक मेन टेक्निक डो में लगता है, अगर वो प्रॉपर नहीं हुआ तो उसमें बॉल्स हैं वो ब्लैक हो जाएंगे, और ऑयल में जाते से भी वो पूरा सर ऐसे आई एम नॉट एट लाइक आई डिड इट फॉर फर्स्ट टाइम, लाइक आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर अ वीक। सो इट टुक मी, फिलिंग मैंने इवनिंग में बना के रख दिया था, सुबह शाम को बना सकती ये वाला फेस्टिवल, नॉट फेस्टिवल सर, काइंड ऑफ लाइक थर्सडे फास्ट फूड सा बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो थर्सडे फास्ट के लिए ये बनता ही है। हाँ, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है और वहाँ का बहुत ही कॉमन स्वीट है। आप मुझे बताइए ये जो आपने बनाया है व्यंजन, इसके बारे में कैसे बनाया, कितना टाइम लगा और ये इसकी खासियत क्या है?
चावल के भरे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सभी के हाथ दिखाओ, हाथ वो निकाल भी है। हाँ गए कि नहीं पापा, चाटो ना बहन। बन रही मेहंदी यहाँ पे, अभी आपकी बन गई क्या? बहुत प्यारी है। बनी मेहंदी हाथ में बनने की है। वाह, अभी कल का बनाएगा, रिटेल में लेगा। हाँ कल का है ना, दिखा दो।
मैं मत रे बाबा ले रही हमारी मेहंदी बहुत प्यारी है। अब हाई करो प्रिंसिपल मैम आए मान लो ना मैम से परमिशन ली हम लोगों ने ओके मेरे प्रिंसिपल मैम वाइस प्रिंसिपल आए हो भी बहुत तैयारी है।